अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हो सब, वेलकम टू अनदर वीडियो टीजर बॉय। तो दोस्तों वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हिप हॉप सीन के बारे में। पहले तो हम बाकी हिप हॉप सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंडियन हिप हॉप सीन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और भी कई सारी शॉर्ट न्यूज है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक ड्रामा अपनी वीडियोज में कवर करता रहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बाकी हिप हॉप सीन के बारे में। तो रिसेंटली रैप डीमन ने अपनी इंस्टा स्टोरी में भी स्टोरी लगाई, ज्यादा सा ने भी, सोमी चौहान और भी कई सारे रैपर्स हैं जिसमें फोर्टिट्यूड भी आता है, तो उन्होंने अपनी स्टोरी पे एक स्टोरी लगाई जिसमें वो सब इकट्ठे हुए हैं एंड उनका आई थिंक अपकमिंग सॉन्ग आने वाला है जिसमें सब कोलैबोरेट होंगे, जिनमें उजैर अल्ताफ, फोर्टिट्यूड, रजा समो, खावर ऑफिशियल, हमजा, सुमी चौहान, रैप डीमन और भी दो चार लोग हैं जो इसमें शामिल होंगे, जिसके बारे में सब ने अपनी इंस्टा स्टोरी पे ये स्टोरी लगाई। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि वन बाय वन मैं उनकी स्टोरीज प्ले कर रहा हूं, ये उन्होंने स्टोरी अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगाई थी। इसके बाद पख्तून को ने अपनी इंस्टा स्टोरी में ये लगाया बैंगिंग ऑन डीमन न्यू ट्रैक लाइक, एंड ये सॉन्ग जो है हाई जोन रिकॉर्ड जो लेबल है उस पर रिलीज होगा। सो अभी तक इसके बारे में कोई और अपडेट्स तो नहीं आई, तो जैसे इससे रिलेटेड कोई और अपडेट्स मिलेगी एंड इसमें एग्जैक्टली कौन कौन है और कौन कौन इस वीडियो में शामिल होगा वो भी मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। तो चलिए दूसरी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। जोखे ने भी फाइनली अनाउंस कर दिया कि उनका न्यू ट्रैक आने वाला है, जिसके बारे में ट्वीट करके कहे कि न्यू ट्रैक कमिंग वीकेंड सी ऑल # खानाबदोश। तो फाइनली जोखे ने भी अनाउंस कर दिया कि उनके जो ईपी है खानाबदोश उसे भी न्यू ट्रैक आने वाला है इस वीकेंड के एंड में, जिसकी कोलैबोरेशन वो शारिक अख्तर से करेंगे। वो इस ट्रैक से रिलेटेड एक वीडियो भी लगाई अपनी इंस्टा स्टोरी पे, तो आप इनकी स्टोरी भी देख लें। एंड ऑल्सो जीरो ने भी अनाउंस कर दिया कि उनका जो न्यू ट्रैक है वो मोहरम के बाद जरूर आएगा। तो मोहरम जैसे खत्म होगा लेट्स सी के बहुत से सॉन्ग आने वाले हैं, यंगस्टर्स के भी, जीरो के भी और भी कई सारे रैपर्स हैं जो सॉन्ग्स को रिलीज करने वाले हैं। एंड ऑल्सो मुझे एक और न्यूज पता चली है, कंफर्म नहीं हूँ बट आज शाम तक शायद फादी का भी एक न्यू ट्रैक आ जाए, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बट मुझे लग रहा है। एंड टू एस ने भी अपनी स्टोरी पे स्टोरी लगा इसमें ओके कि फाइनली, एंड आई थिंक इसकी बीट का डिस्प्ले है जो ये एडिटर पे एडिट कर रहे हैं, शायद ये बीट है या फिर इनका सॉन्ग है। सो लेट्स सी वो सॉन्ग वगैरह से रिलेटेड आता है तो मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। तो चलिए हिंडन हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कृष्णा वर्सेस मुफाड़ के बारे में। तो रिसेंटली मुफाड़ ने अपनी एलान ईपी से एक सॉन्ग निकाला था आमीन, जिसमें उन्होंने काफी सारे सबलिमिनल मारे, जिसके बाद कृष्णा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर स्टोरी लगाकर कहा कि अच्छा तो ये वाली गेम खेलनी है फिर। जिसके बाद मुफाड़ अपनी इंस्टा स्टोरी में स्टोरी लगाकर कहे थे कि मैं सबलिमिनल्स नहीं मारता, जो भी मारता हूं वो सीधा मुंह पे मतलब कहता हूं। सो बेसिकली मुफाड़ ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो उनको सबलिमिनल्स जो मारे हैं वो एग्जैक्टली उनको नहीं थे, किसी और के लिए थे या फिर वैसे उनके राइमिंग या फिर रैपिंग के लिए सीन में थे, बट कृष्णा इसको अपने लिए सबलिमिनल समझे। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट कृष्णा का सॉन्ग आएगा उसमें क्या वो रिप्लाई करेंगे, यानी जो भी कोई सीन होगा मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू बता दूंगा। एंड ऑल्सो कृष्णा से रिलेटेड एक और न्यूज है जिसमें कृष्णा और आरसीआर रैपर का सीन चल रहा है। तो रिसेंटली आरसीआर ने एक रैप जो था वो इंडियन आईपीएल के लिए गाया था, जिस पे कृष्णा ने रिएक्ट करते हुए ट्वीट करके कहा कि हे गाइस आईपीएल हैज प्लेजराइज्ड माय सॉन्ग देख कौन आया वापस एंड क्रेडिट आएंगे हम वापस एज दिस ईयर एंथम विदाउट क्रेडिट और कंसेंट। आई रिक्वेस्ट माय फेलो आर्टिस्ट एंड फ्रेंड्स ऑन ट्विटर टू आरटी दिस ट्वीट फॉर अवेयरनेस दे कैन नॉट गेट अवे विद दिस। और उसके बाद इंस्टा स्टोरी पे भी स्टोरी लगाकर कहे कि आई एम अवेयर ऑफ द ब्लैटेंट प्लेजराइजेशंस ऑफ माय ट्रैक आईपीएल एंड डिज्नी, माय मैनेजमेंट एंड लीगल टीम आर टेकिंग एक्शन।
थैंक यू गाइज फॉर योर ब्रिंगिंग इट टू माई नोटिस. वी एज द हिप हॉप कम्युनिटी एंड आर्टिस्ट इन जनरल कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड एंड अदर म्यूजिशियंस ऑर्गेनाइजेशन दैट इंडोज एंड प्लाइजेशन शुड पे द प्राइस. आवाम और हिप हॉप कम्युनिटी फैला दो बात. जिसके बाद RCR भी अपनी इंस्टा स्टोरी पे स्टोरी लगाकर कहे कि काइंड अटेंशन द ड्रीम 11 IPL 2020 टाइटल ट्रैक आएंगे हम वापस इज नॉट कम्पोज एंड रिटन बाई मी ओनली द वॉइस बिहाइंड द रैप इज माइन थैंक यू. सो बेसिकली मैं कुछ छोटा सीन समझा देता हूँ. इंडियन IPL ने एक सॉन्ग निकाला था जो कि RCR रैपर ने नहीं लिखा था, बस उन्होंने इस रैप को गाया था. जिसके बाद कृष्णा ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि मुझे क्रेडिट्स दिए बिना मेरे सॉन्ग के स्टाइल को कॉपी किया या फिर कोई ऐसा सीन जो उन्होंने कॉपी किया बिना क्रेडिट्स दिए. तो इस पर कृष्णा कहे कि मुझे क्रेडिट्स चाहिए क्योंकि हम इस चीज को इजीली नहीं लेंगे, इसमें हमारी मेहनत वगैरह सीन लगा हुआ है. तो इस पे RCR भी फाइनली कह दिए कि मैंने ये लिखा नहीं है, सो मुझसे नहीं, जिन्होंने मुझे ट्रैक दिया उनसे जाके मांगे जो भी उनका इशू है. सो गाइस अब दूसरी स्टोरीज के बारे में बात कर लेते हैं. तो हम बात करने वाले इरफान शेख फिल्म के बारे में. इरफान शेख फिल्म जो काफी टाइम से अपने यूट्यूब चैनल पर इनएक्टिव है, जिसके बारे में अपनी इंस्टा स्टोरी पर स्टोरी लगाकर कहेगी आल्सो इफ यू आर थिंकिंग दैट व्हाई इरफान इज नॉट अपलोडिंग व्लॉग्स फ्रीक्वेंटली इट्स बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट्री विद माय फेवरेट यूट्यूबर एंड इट्स गोना बी आउट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इंशाल्लाह एंड आफ्टर दैट आई प्रॉमिस आई विल बी वेरी कंसिस्टेंट लव यू ऑल. सो या उनकी कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह आने वाली जिसमें शायद वो अपने किसी फेवरेट यूट्यूबर के साथ काम कर रहे हैं. जैसे उनकी ये वीडियो आएगी उसके बाद वो अपनी कंसिस्टेंसी अपने चैनल पे बरकरार रखेंगे. तो फाइनली ग्रेट मोहन डेली में अनाउंस कर दिया कोई न्यू वीडियो आने वाली है जिसके बारे में उनसे स्टोरी में कहे कि न्यू वीडियो टुमारो 8 मिनट ऑफ शुगल मेला इट्स वेरी लेट. तो चलिए अब दूसरी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं. हम बात करने वाले रुखानो के बारे में. तो रिसेंटली रुखानो ने जो अपने चैनल पे ट्रैवलिंग व्लॉग अपलोड किया था जिसके बाद मदीहा सैयद कंटेंट राइटर ने आर्टिकल लिखा था इन पे जो कि अखबार में है जब तो आप लोग देख सकते हैं. तो इस पे रुखानो अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर करके रिएक्ट करते हुए कहे कि सच अ ट्रीट टू रीड थैंक यू मदीहा सैयद एंड आल्सो मुनीब की मीम्स की भी न्यू वीडियो आने वाली है जिसके बारे में अपनी इंस्टा स्टोरी में ये स्टोरी लगाई बाय द वे न्यू वीडियो कमिंग सून छोटी का बच्चा. एंड आल्सो हिंदुस्तानी भाव ने अपना सेकंड चैनल बनाया और उसके सेकंड चैनल को भी टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी कि उनका दूसरा चैनल भी अब उड़ चुका है. खैर मुझे इस पे हिंदुस्तानी भाव को रिएक्शन तो नहीं मिला. तो कोई इससे रिलेटेड न्यूज वगैरह आएगी तो मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा. तो चलिए अब थोड़ी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात कर लेते हैं. तो हम बात करने वाले यंगस्टर्स के बारे में. तो यंगस्टर्स का जो इंस्टा पेज है वो भी वेरीफाइड हो चुका है, यानी कि उस पर ब्लू टिक आ चुका है. एंड आल्सो नेहा खान ने भी कंप्लीट कर लिया 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक. सो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दैट. सो गाइस आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कर दें और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और मैंने दुराने वीडियो जो क्वेश्चन आपसे किए हैं अगर आपके पास उसके आंसर है तो मुझे प्लीज वो भी जरूर बताना. आप इस चैनल पर नहीं हो तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दो और आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं ये वीडियो बनाने में. सो आपने करना क्या है कि अगर आपको कोई न्यूज़ वगैरह है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ पे जाकर आप मुझे न्यूज़ वगैरह दे सकते हैं. मैं न्यूज़ देने वाले को डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में क्रेडिट्स भी दूंगा. सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ख्याल रखना अपना. टिल द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई को इजाजत दें. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.